रात में पत्नी की मारपीट कर घर से भगा। सुबह नीम के पेड़ पर फांसी के फंदे पर लटका मिला पति। पुलिस ने शुरू की जांच। शिवपुरी शहर के देहात थाना क्षेत्र में थीम रोड के पास एक खेत में नीम के पेड़ से एक युवक का शव लटका हुआ मिलने की सूचना से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पेड़ से उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक मृतक रघुवीर आदिवासी की पत्नी प्रेमबाई आदिवासी ने बताया कि उसका पति शराब पीने का आदी था। बीती रात जैसे वे पत्थर फैक्ट्री से काम कर लौटी, शराब के नशे में होने से पत्नी ने उसकी मारपीट कर उसे घर से भगा दिया। रात भर यहाँ वह भटकती रही। सुबह आकर जब उसने घर आकर देखा तो पति गायब मिला। जब उसने तलाश किया तो घर के थोड़ी दूर थीम रोड पर एक खेत के पास नीम के पेड़ पर पति का शव लटका हुआ मिला। प्रेमबाई ने बताया कि वे मूल रूप से बसंतपुर करवाया के रहने वाला है। आप पिछले 1.5 साल से पत्थर फैक्ट्री पर मजदूरी का काम कर रहे थे। नाम है आपका? और जी खत्म हुआ, इनका क्या नाम था? क्या घटना हो गई, कैसे क्या फांसी लगा ली इन्होंने? 20 दिन से काम ही नहीं जा रहा, तो मैं और मोड़ा काम कर रहे, गिट्टा की फैक्ट्री पे मशीन चला रहे, तो 9 बजे छुट्टी हो तो 10 बजे हम आते टपैया डरी थी, तो पिए मिलो आने के, तो वह तो रोज पिए और लड़त, तो मैं डिब्बा लेके आई पानी को, मैंने उतारी पाओ मेरे गुड़न में एक डंडा दे दो और फिर पत्थर लेके पर हमें स्वामी तारी डाली, हम तो भाग गए इस रोड के खम्मा डरे खम्मा खाम दुखे रहे हम 1-1.5 बजे। फिर एक चौकीदार आते भी दुकान है CRP का, भाई CRP का भाई आ गए पटोरा ने हमें दुका लाए, वहीं बैठी रहे जो धूड़त फिरे हमें पत्थरा लाए फिर लट लाए, तो फिर जाना है 1-1.5 बजे आग लगाई टपैया में बेपार फिर जाओ फिर नहीं है पता फिर कितनी बेर का करके बैठो हम बेवा फिर गए नहीं। तुम्हें कब सूचना मिली कि जी? सवेरे फिर मैंने सूची के ना दू के मैं भाई का छंडी तो मैंने जा से ऑटो लेकर रोटी बना लूँ फिर काम में चले मैंने कही जो फिर करेगा तो हमें ये सब देना बाकी कुछ को काम है तो मैं वहाँ गई तो मैंने कही मैं डिब्बा उठा लाऊँ मोटर चल रही तो एक टपैया डर गई चूल्हे के हमें पीछे तो 2 डिब्बा बची मैंने कही मैं उठा लाऊँ पानी भर भी तो ना वो नीम पे लटको मिलो सो भाई से मैं तो भगला ना ना वो ना कचू मैंने कही जाने तो सुपर घर के पीछे ही लगा ली। घर के पीछे नहीं नीम ठाड़ो है टपैया के पीछे होते बकूट फूट है वो भी सागवान है बहुत सारे। अच्छा वहाँ पे फांसी लगा ली और का घर तो हम रोते है सगड़ से अंग कदवा। तो तुम रहने वाले कहाँ के हो? कदवा बाकी बसंतपुर के हैं कदवा से अंग बसंतपुर ईसागढ़ में लगता है। हाँ सीपरी में जिलो लगते। अच्छा तो यहाँ क्या यहाँ कौन सी जगह रह रही थी आप? CRP पे CRP कैंप के पास में और फैक्ट्री है ना भी तो फैक्ट्री में ही रहते थे कि टपरिया बना के? टपरिया बनाए थे हम तो फैक्ट्री से बहुत दूर रहते। अच्छा टपरिया बना के रह रही। कितने साल से रह रही हो आप यहाँ? हम रह रहे थे 1.5 साल हो गई मुझे। अच्छा और इससे पहले कहाँ रहते थे आप लोग? पहले घर ही रहते पहले तो कहाँ पे? ऐसे गाँव पे भाई हमारी बसंतपुर। बसंतपुर और वहाँ भी जाने ऐसे धमैया करो मार पीट कर। कितने बच्चे हैं आपके? 2 लड़की हैं 2 लड़का है। एक की शादी कर दी इसी बड़ौदी भी आई है। अच्छा एक बच्ची की शादी कर दी आपने? और एक की शादी कर दी और ये इन्होंने फांसी लगा ली है ना?